स्टूडेंट्स, क्लास सेवेंथ के आप लोग ध्यान दीजिए। आज आप लोग को सेल्फ प्रैक्टिस 1A का क्वेश्चन नंबर 10 से मैं समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व भी करूंगा। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 9 तक आप लोग को मैं बताया हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि फाइंड ईच सम। तो जब आप लोग को साइन के बारे में अगर मल्टीप्लाई, एड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड अगर करना हो तो उसके लिए कुछ फॉर्मूला होता है। आप लोग को उसको फॉर्मूला पर ध्यान देना है। ध्यान दीजिए, जैसे ये प्लस के साथ प्लस का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होता है, लेकिन जब माइनस के साथ माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तभी भी प्लस ही होता है। लेकिन एक प्लस हो और एक माइनस हो, तो एक प्लस हो एक माइनस हो, यानी दो अलग अलग चिन्ह है, तो ऐसे कंडीशन में माइनस होता है। एक माइनस हो या एक प्लस हो, देखिए यहां भी दो को अलग अलग चिन्ह है, तो यहां भी माइनस होगा। मतलब इस फॉर्मूला से यही निष्कर्ष निकल रहा है कि सेम साइन हो यानी दोनों प्लस हो तो प्लस ही आएगा, अगर दोनों माइनस हो तभी भी प्लस ही आएगा, वो भी ये मल्टीप्लाई के केस में। ये सिर्फ मल्टीप्लाई में बता रहा हूं आप लोगों को कि सेम साइन हो तो प्लस आता है, लेकिन जब साइन अलग अलग हो, एक प्लस हो एक माइनस हो तो माइनस आता है, एक माइनस हो एक प्लस हो तो माइनस आता है। ये रूल है, आप लोग को याद करना होगा पहले। अब क्वेश्चन नंबर 10 पर आप लोग आइए। क्वेश्चन नंबर 10 का कह रहा है फाइंड ईच सम, कह रहा है प्रत्येक का योग ज्ञात करना है, यानी कि माइनस 15 हो गया। आ देख रहा हूं कि ये प्लस है आ यहां माइनस है, तो आपका प्लस और माइनस माइनस होगा, जैसा कि अभी मैं बताया हूं थर्ड नंबर में, तो यहां माइनस हो गया। आ सेवन है तो सेवन उतर गया। मैं देख रहा हूं कि माइनस 15 है, माइनस 7 है, जब सेम साइन हो, सेम चिन्ह हो तो उसको जोड़ दिया जाता है, यानी कि दोनों प्लस मगर हो तभी भी जोड़ेंगे, अगर दोनों माइनस में हो तभी भी जोड़ेंगे, लेकिन एक प्लस और एक माइनस में हो तो घटा देते हैं, या एक माइनस में एक प्लस में हो तभी भी घटा देते हैं, लेकिन जब एक ही जैसा चिन्ह हो दोनों माइनस में तो जोड़ेंगे, लेकिन चिन्ह माइनस का ही होगा। अब अगर प्लस में रहता है तो प्लस का ही होता है, लेकिन यहां दोनों में माइनस है तो माइनस का ही साइन होगा। आप 15 में 7 जोड़ देंगे, आपका आंसर 22 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 10 का ए था। बी इसी तरह समझेंगे। मैं देख रहा हूं एक माइनस है एक प्लस है, अब यहां दोनों चिन्ह अलग अलग हो गया, तो यहां पर घटाएंगे, जो ज्यादा है 40 में से 4 जाएगा, 44 में से 4 जाएगा, 40 आ गया। और देखेंगे कि डिजिट कौन बड़ा है, 44 बड़ा है या 4 बड़ा है, तो मैं देख रहा हूं 44 बड़ा है, तो जो डिजिट बड़ा हो, जो संख्या बड़ी हो, उसी का चिन्ह लिखते हैं, यानी माइनस यहां लगेगा। ये आंसर हो गया, बगल में इक्वल टू का चिन्ह दे देंगे। क्वेश्चन नंबर जी पर आप लोग ध्यान दीजिए। इसी तरह जी में कह रहा है 50 का 50, यहां पर माइनस का माइनस। मैं कुछ दिन पहले आप लोग को पिछले क्लास में मैं एक्सप्लेन किया हूं, समझाया हूं कि मोड से कोई भी डिजिट जब बाहर निकलता है, ये मोड है, ये मोड का साइन है, जब मोड से कोई भी डिजिट बाहर निकलता है तो प्लस में ही होता है, माइनस वाला भी रहेगा डिजिट तो प्लस में ही होगा, अब प्लस वाला भी डिजिट रहेगा तो प्लस में ही होगा, यानी माइनस 50 है तो 50 होगा, ये प्लस में है, लेकिन इस माइनस की वजह से ये माइनस है। अब 50 में से 50 चला गया, आपका आंसर आ गया 0। उसी तरह 11 का फर्स्ट देखेंगे। 11 में कह रहा है हेडिंग कि फाइंड ईच सम, प्रत्येक का योग ज्ञात करना है, यानी कि निकालना है। तो यहां माइनस 18 का माइनस 18 ही लिखेंगे, याद रखेंगे आप, पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, इसके बाद जाकर कोई काम करेंगे। ये प्लस है तो प्लस, 29 है तो 29, देख रहा हूं ये प्लस और ये माइनस, माइनस हो जाएगा क्योंकि अलग अलग चिन्ह है। 11 है तो 11 लिख देंगे, पहले इक्वल टू का चिन्ह। मैं देख रहा हूं कि माइनस 18 है, माइनस 11 है, ये दोनों सेम एक जैसा है, डिजिट भले अलग अलग है लेकिन दोनों का चिन्ह जो है, साइन जो है एक जैसा है, इसलिए ये जुड़ जाएंगे और माइनस का चिन्ह लगेगा, और 18 में 11 जोड़ देंगे
तो 819 और 112 प्लस 29। मैं देख रहा हूं एक माइनस में 29 है और एक प्लस में 29 है। सपोज दैट मान लेता है कि मेरे पास 29 रुपया है और 29 रुपया का कोई वस्तु खरीद कर खा गए, तो मेरे पास कितना बच गया? 0 रुपया, यानी कुछ नहीं बचा। तो माइनस 29 में प्लस 29 में अगर ये वर्क करेंगे यानी तो माइनस 29 में से प्लस 29 घट जाएगा, यानी कि प्लस 29 में से सॉरी माइनस 29 घट जाएगा और इस प्रकार क्या होगा? आंसर हो गया 0। क्वेश्चन नंबर बी पर ध्यान दीजिए। आप कह रहे हैं माइनस 25 है, वो भी मोड में। तो आप ये मोड से जैसे डिजिट बाहर निकलेंगे तो ये प्लस में हो जाएंगे। तो प्लस 25 अब प्लस 9 है तो 9, ये मोड से पहले माइनस है तो वो चिन्ह नहीं बदलता है, वो चिन्ह को सेम उतार देते हैं। अब माइनस 4 है तो इसमें से माइनस हट जाएगा, प्लस 4 में आ गया। अब 25 और 9 मैं देख रहा हूं दोनों का पहले प्लस का चिन्ह है। दुनिया का कोई भी डिजिट के पहले अगर किसी चीज का चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है तो समझिए कि प्लस का चिन्ह जरूर रहता है। सपोज दैट कोई पूछ दिया 6 के पहले किस चीज का चिन्ह है तो प्लस का, 12 के पहले किस चीज का है तो प्लस का, 100 के पहले किस चीज का चिन्ह है तो प्लस का, ये आप लोग को याद रखना होगा। 25 में 9 ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 34। अब प्लस का ही चिन्ह रहेगा क्योंकि दोनों में प्लस है इसलिए प्लस रहेगा, माइनस 4। आप देख रहे होंगे 34 में से 4 को माइनस कर देंगे तो 30 आएगा। डिजिट कौन बड़ा है यानी नंबर कौन बड़ा है? तो 34 बड़ा है इसलिए इसी का चिन्ह होगा और ये क्या हो गया आंसर, यानी कि 10 का ए बी सी आप लोग ध्यान से देखेंगे, 11 का ए डी आप लोग ध्यान से देखेंगे, और जो भी ये रूल है ये आपको रूल याद करना है, ये आपको फेयर में भी लिख लेना है क्योंकि कभी ना कभी मैं जरूर पूछूंगा, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 पर स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 का हेडिंग कह रहा है फाइंड ईच डिफरेंस, करके प्रत्येक का अंतर ज्ञात करना है, प्रत्येक का अंतर निकालना है। कैसे निकालेंगे? डिफरेंस मिस होता है अंतर, और ध्यान रखिए कि जब भी डिफरेंस का बात करेगा तो माइनस का चिन्ह लगा हुआ रहता है। ये 15 में से देख रहा हूं 8-15 लिखा है, अगर नंबर में देखा जाए तो 15 तो बड़ा है, अगर चिन्ह के अनुसार देखा जाए तो 8 बड़ा है, लेकिन नंबर के अनुसार चलेंगे 15 में से 8 माइनस हो जाएगा, 15 में से 8 घट जाएगा तो 7 बचेगा, लेकिन डिजिट में नंबर में 15 ज्यादा है इसलिए इसी का चिन्ह होगा, -7 आंसर होगा। बी में देखिए -7 है तो -7 तो सेम उतार देंगे, और आज ही आप लोगों को बोला हूं कि पहले ब्रैकेट का वर्क किया जाता है, ब्रैकेट में भी साइन का चिन्ह का काम किया जाता है। ये माइनस और यहां पर किसी भी चीज का चिन्ह नहीं है तो समझिए कि मल्टीप्लाई का चिन्ह जरूर है। ये माइनस और माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा, और ये 12 है तो 12 ही होगा, और 12 में से ये 7 चला जाएगा, 5 हो जाएगा। मैं देख रहा हूं 12 ज्यादा है, नंबर 12 जो है वो ज्यादा है तो इसका चिन्ह प्लस का है इसलिए यहां प्लस दिखाएगा। सी नंबर, यही आपका आंसर हो जाएगा। सी नंबर में देखेंगे 3 है, 3 उतार देंगे, ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, और 7 है तो 7 इक्वल टू का चिन्ह दे देंगे, फिर यहां इक्वल टू का चिन्ह देंगे। ध्यान रखेंगे इक्वल टू का चिन्ह एक दूसरे के जस्ट सामने देते हैं तो देखने में भी अच्छा लगता है, प्रॉपर लाइन में होता है। 3 का टेबल सॉरी 7 और 3 देख रहा हूं कि दोनों प्लस में है, 7 के पहले भी प्लस का चिन्ह है और 3 के पहले भी प्लस का चिन्ह है, 7 को और 3 को जोड़ देंगे ऐड कर देंगे तो 10 आएगा, आज दोनों में प्लस का चिन्ह है तो प्लस ही का चिन्ह रहेगा, ये आंसर हो गया। आप लोग क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 फेस बनाइएगा और एस डब्ल्यू के रूप में आपको पीडीएफ के माध्यम से मैं क्वेश्चन भेज दूंगा, आप लोग बनाइएगा, आप बनाने के बाद व्हाट्सएप पर डाल दीजिएगा, मैं चेक कर लूंगा। थैंक यू।